अंधविश्वास की भेंट चढ़ रहे कुपोषित बच्चे। पदमपुरा गांव में पाए गए गंभीर कुपोषित बच्चे। कुछ दिन पहले भोपो के चक्कर में कुपोषित बच्चे की गई थी जान। महिला जन अधिकार समिति संस्था के कार्यकर्ताओं ने स्वास्थ्य और पोषण परियोजना के अंतर्गत पदमपुरा गांव में 6 कुपोषित बच्चों के घर विजिट किया, जिसमें बच्चों का वजन लिया और कम वजन वाले बच्चों के स्वास्थ्य की जांच करने के लिए प्रेरित किया। पदमपुरा गांव में गंभीर कुपोषित बच्चे अंधविश्वास की भेंट चढ़ रहे हैं। बच्चों के माता पिता से अस्पताल में दिखाने के बारे में बातचीत करते हैं तो कहते हैं बच्चा महाराज का दिया हुआ है, इसलिए झाड़ फूक करवा के अभी भोपा ही ठीक कर देगा। परिवार वालों को संस्था के कार्यकर्ताओं ने अंधविश्वास से दूर रहने, अस्पताल में इलाज कराने के बारे में जानकारी दी। आज पदमपुरा गाँव के अंदर महिला जन अधिकार समिति के साथियों द्वारा जो अति कुपोषित बच्चे हैं उनके घर पर विजिट किया गया और हमने ये देखा है कि जो अति कुपोषित बच्चे हैं उनके माता पिता उन्हें इलाज के लिए अस्पतालों के अंदर नहीं लेके जा रहे हैं। उसके पीछे हमने कारण जानने की कोशिश करी तो सबसे बड़ा कारण जो निकल के आया है एक अंधविश्वास है, जिसके कारण वो भोपे और जो लोग हैं साधु बाबा उसके चक्कर में वो बच्चों का इलाज नहीं कराना चाह रहे हैं। तो ऐसे के अंदर हमने उनके साथ समझाइश भी की है और पदमपुरा गांव के अंदर 6 अति कुपोषित बच्चे हैं तो हमने उनसे यही कहा है कि आप बच्चों की स्वास्थ्य जांच कराएं, ओपीडी कराएं, ताकि जो बच्चों के अंदर कुपोषण है खान पान के साथ साथ उनको स्वास्थ्य सेवाएं भी मिले तो वो अच्छा होगा। और मैं प्रशासन से भी कहना चाहूँगा कि वहाँ पे स्वास्थ्य कैंप लगाया जाए, जिससे जो बच्चों का जो स्वास्थ्य में जो अभी गिरावट आ रही है उनके वजन वृद्धि के अंदर कमी आ रही है उसके अंदर भी सुधार हो सके। और अभिभावकों को भी हम बराबर समझा रहे हैं तो प्रशासन और अभिभावकों से मेरा ये निवेदन है कि जहाँ तक भी सहयोग हो सके बच्चों के हित के अंदर ही काम करें। धन्यवाद। मेरा नाम सिल्वेस्टर, महिला जन अधिकार समिति अजमेर से।